नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि भाई जो एफटीए की जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर चेंज हो गए। आप पहले आपको पता है कि शेखर कपूर थे, लेकिन अब रिसेंटली अभी कब पता चला है भाई, एक दो दिन में ही जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो है आर माधवन। आपने देखा होगा कि भाई अभी नेशनल अवार्ड भी मिला था उनकी फिल्म जो रॉकेटरी आई थी ना, जो साइंटिस्ट पर बेस्ड थी, वो भाई बहुत ही शानदार, क्या निम्मी सर ऐसा कुछ उनका जो साइंटिस्ट का नाम है, तो उनके ऊपर बेस्ड थी, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। और भाई आर माधवन जिस तरह का जो उनकी एक रेपुटेशन है एक्टिंग के मामले में, या फिर उनकी फिल्में जो आती है जिस तरह का कंटेंट लेकर आती है भाई, कमाल की जो है वो उनकी, मतलब स्क्रिप्ट सिलेक्शन बोल सकते हैं या फिल्मों का सिलेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन भाई एफटीए के प्रेसिडेंट बने तो हमें क्या फ़ायदा होगा उसका? देखिए, अगर हम एक्सपेक्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती, लेकिन भाई आप सभी को पता है कि एफटीए में जो प्रेसिडेंट होते हैं, एफटीए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ज़्यादा काम करते नहीं हैं, मीटिंग वगैरह में ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन एफटीए के एस्पायरेंट्स के लिए तो भाई कोई ज़्यादा, मतलब इस तरह का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम एफटीए के जो प्रेसिडेंट है कोई अच्छा इंसान तो है, थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब गलत काम तो नहीं करेगा वहाँ पर। नहीं तो प्रेसिडेंट आप सभी को पता है कि एक टाइम पे वो 2013-14 में जब बने थे, क्या नाम उनका कोई बना था ना, जो सीआईडी में, जो क्या नाम, मुझे नाम याद नहीं रहा, वो बने थे, तब तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो भाई आप लोग बताओ कि भाई जो प्रेसिडेंट बने आर माधवन, उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं एफटीए के लिए, क्या पॉजिटिव हो सकते हैं? वैसे तो पॉजिटिव मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर डायरेक्टर बनते तो और ज़्यादा बेनिफिट होता, लेकिन भाई प्रेसिडेंट भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, तो इसलिए भाई लग रहा है यहाँ से कि भाई थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। कम से कम टाइम से पेपर ले लें, यही बहुत अच्छी चीज़ है। अगर टाइम से पेपर ले लेते हैं तो भाई हम मान जाएंगे कि हाँ, आर माधवन जो प्रेसिडेंट बने हैं वो सफल हुए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा।